एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज चैनल में। आज मैं आपको बताती हूँ CAA क्या है, CAA क्या कहता है। 1955 के तहत ये बात बताई जा रही है कि कौन होगा भारत का नागरिक, कौन होगा वो जो भारत में रह सकता है। इसकी तीन कंडीशंस बताई गई है। मैं आपको एक एक करके तीनों कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ पूरी पूरी कि ये तीन कंडीशंस क्या है और कौन होगा जो भारत में रह सकता है, किसे राइट होगा भारत में रहने का। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बताती हूँ कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले जिसने जन्म लिया है इस बीच में, 26 जनवरी 1950 के बाद और 1987 से पहले जिसने जन्म लिया है इस बीच में वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये बात हो गई, ये हो गई पहली कंडीशन। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसी है, 1 जुलाई 1987 के बाद और 2003 से पहले इस दरमियान जिस किसी ने भी जन्म लिया होगा उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना ही चाहिए, तभी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब समझने की बात ये भी है कि जो कोई भी 1987 और 2003 के बीच में पैदा होगा तो उसके जो पेरेंट्स होंगे उनकी पैदाइश 1950 तक होगी तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा ही कहलाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन ऐसी है कि 2003 के बाद जिस किसी ने भी जन्म लिया होगा उसके माता या पिता दोनों में से नहीं, माता और पिता दोनों को ही भारत का नागरिक होना ही चाहिए। अगर माता या पिता दोनों में से कोई एक भी इलीगल तरीके से भारत में आया होगा तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये बात साफ साफ कर दी गई है। 2003 के बाद जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसके माता और पिता दोनों ही भारत का नागरिक होना ही चाहिए तभी उसे नागरिकता दी जाएगी। अगर दोनों में से कोई एक भी अगर भारत का नागरिक नहीं हुआ या माता या पिता दोनों में से कोई एक भी अगर इलीगल तरीके से भारत में आया होगा तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या आपको प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि आप भारत के नागरिक हो। मैं आपको बताती हूँ डॉक्यूमेंट्स ये होंगे कि आपके जो फैमिली के पहले के पूर्वज जो है उनकी कोई जमीन के कागजात होंगे या तो फिर आपके जो पहले के लोग हैं उनके कोई लाइसेंस, किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना होगा जो कि ये साबित करे कि आप यहाँ के हो, भारत के नागरिक हो, ये आपको बताना होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि CAA क्या कहता है, अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर अब भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें, 7666474110। धन्यवाद।